महिला दिवस के उपलक्ष्य में केसरिया राजपूत महिला क्लब के सदस्यों ने मातृत्व के पदवी को सशक्त बनाने के लिए मातृत्व की सृष्टि की रचना जो उनकी बेटियां हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक दमदार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर बताने के लिए रक्षा टीम को आमंत्रित किया। काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां यहाँ पर शामिल रही। रक्षा टीम के द्वारा एक वर्कशॉप लगाकर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए, जिसमें सेल्फ डिफेंस किस प्रकार किया जाए उसको क्रियान्वित करने सिखाया गया। महिलाओं और युवतियों ने वहीं पर रक्षा टीम के साथ स्वयं उनका उपयोग करके कैसे डिफेंस कर सकते हैं इसके ट्रिक को सीखा, जो कि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभवर्धक था। समाज में हमारी युवतियों और माँ को सुरक्षित रखने के लिए साथ ही साथ रक्षा टीम ने एक ऐप जिसे अभिव्यक्ति कहते हैं वह भी सभी को डाउनलोड कराया और इस ऐप का उपस्थित लोगों ने ट्रायल भी किया, जिसमें जैसे ही हम रिंग बटन दबाते हैं वैसे ही हमारे घर के सदस्यों को और पुलिस के मुख्यालय में फ़ोन चला जाता है और वहां से फ़ोन आता है कि मे आई हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप कहाँ हैं, या अगर आप लोकेशन ऑन रखेंगे तो वह भी पता चल जाएगा और यह घटना कहाँ हो रही है वह भी पुलिस को लोकेट हो जाएगा, जिससे पुलिस प्रशासन आपकी मदद के लिए तत्परता से उस जगह पर पहुंच पाएगी। इसे यूज करना है, इसको भी किरिंग की तरह यहाँ करना है, यहाँ कर सकते हैं और इसको यहाँ पर। ये तीन चीज कर सकते हैं। पेन भी, कोई पेन रखा है? ये पेन भी, देखिए पेन का भी यूज कर सकते हैं आप। पेन अगर ऐसा लगाए हैं आप लोग, पकड़े हैं आप लोग, बच्चे रखे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं, वो व्यक्ति आपको पकड़ छोड़ सकता है, आप भाग सकते हैं। इतना कुछ नहीं भी है आपके पास तो चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। चिल्लाने से क्या होगा, लोग आपकी हेल्प के लिए आएंगे। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, मोबाइल मोबाइल का भी देखिए आप, मोबाइल लग रहा है मुझे बहुत टाइम के बाद कुछ भी मार नहीं हो, ठीक है, दोनों से कर सकती हूँ। लग रहा अगर कि बहुत टाइम के नहीं चलता है कि दूसरा ठीक करना, हमको मान लीजिए बॉडी पार्ट्स खाली है, हेड से नोज पे बात करना, इक्वल हाइट नहीं तो क्या करना, इससे करना, तो इससे क्या होगा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो व्यक्ति वैसे गिर जाएगा, बड़ा गिर जाएगी, इसे मैं नहीं मांगूंगी, ठीक है। ये नहीं खोल पाऊंगी, टाइट है, बाकी टाइट है तो नहीं खोल पाऊंगी, तो मैं नहीं खोलूंगी, इस पर प्रयास में दिमाग नहीं लगाऊंगी, फिर सोचूंगी मैं अपने पैर से बात करूँगी, ठीक है। मुक्का बना सकते हैं, मुक्के से बात करूँ, मुक्के से उतना वजन नहीं आएगा जितना अपने पैर से आएगा, पैर के इससे आएगा, ठीक है। ये इस तरह कर सकते हैं, आपका पर्स उपयोग करते हैं आप लोग, कोई भी पर्स है बनना चाहिए, क्विक बना लो इस तरह से, और उसके कुछ है तो भी उसको काम है ना, ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा सिंह, केसरिया राजपूत महिला क्लब की अध्यक्षा। केसरिया राजपूत क्लब की सभी सदस्यों ने मिलकर के मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर कुछ अनोखा करने का सोचा, और हम लोगों ने सोचा कि माँ, माँ की सृष्टि सबसे सुंदर रचना होती है उसकी पुत्री, उसकी बेटी, और अगर जब बेटी फलती फूलती और उन्नति के पद पर अग्रसर होती है तो माँ सबसे ज़्यादा हर्षित होती है, लहराती है। हो सकता है कि आपको लगे मैंने बेटों के बारे में क्यों नहीं कहा, क्योंकि माँ को यह एहसास है कि बेटे सशक्त होते हैं, और हमारे समाज में हमने कभी नहीं सुना कि बेटों का किसी प्रकार का अपहरण हुआ हो या अन्य किसी दुर्घटना के शिकार हुए हों। सेल्फ डिफेंस का सबसे बड़ी आवश्यकता माँ को स्वयं को है और अपनी बेटी के लिए है। तो हम सब महिलाओं ने मिलकर के सोचा कि राजपूत क्लब की महिलाएं सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम मातृ दिवस के दिन समर्पित करेंगी,
और इसके लिए हम लोगों ने भिलाई की रक्षा टीम से कॉन्टेक्ट किया। रक्षा टीम में मोनिका पांडे के नेतृत्व में रक्षा टीम मातृ दिवस के दिन हमारे महाराणा प्रताप भवन में पहुंची और हमारी सभी महिलाओं को इस वर्कशॉप में शामिल किया। इसमें उन्होंने पूरे प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाया, अपने सारे सुरक्षा के उपायों को क्रियान्वित करके दिखाया और बताया उन्होंने ट्रिक्स, जिससे हमें यह एहसास हुआ कि ताकत की ज़रूरत नहीं, ट्रिक्स की ज़रूरत है और हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर सभी महिलाओं ने इसका प्रैक्टिकल किया, स्वयं उसका ट्रिक्स को उपयोग किया और उपयोग करने पे पाया कि वाकई ये बहुत ही सक्सेसफुल है। अगर अचानक हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण तो नहीं बोला जाए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो हम अपना स्वयं की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। चीखने चिल्लाने लोगों को बुलाने से पहले हम पहले स्वयं सेल्फ डिफेंस करेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है। मैं समस्त समाज के लोगों को कहूँगी कि अपनी महिलाओं को और अपने समाज की युवतियों को इस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अवश्य दें, जो कि जीवन के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद हमने ये सोचा कि जब महिलाएं सेल्फ डिफेंस के लिए आगे बढ़ती हैं तो उनमें अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और अगर जब वो कहीं बाहर नौकरी करने जाती हैं तो उनकी माँ उनका परिवार भी आश्वस्त रहता है कि हमारी बेटी अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगी। इसको और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए रक्षा टीम ने एक ऐप डाउनलोड कराया जिसका नाम था अभिव्यक्ति ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने पे अगर हम या आप या कोई भी इस ऐप को जो धारण करता है, अगर उसके संकट में है और इस ऐप से वो रिंग करता है या मैसेज डालता है तो सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स उनके माता पिता को जाता है और वहाँ से उनकी लोकेशन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लोकेशन ऑन करके रखें, उसकी लोकेशन पता पड़ते ही टीम जो है पुलिस की रक्षा करने के लिए सुरक्षा के लिए पहुँच जाती है तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो मैं चाहूँगी इस मदर्स डे पे सभी माताओं को और समाज के सभी लोगों को कि इस प्रकार अपने घर की अपने समाज की महिलाओं और बेटियों को सेल्फ डिफेंस का कोर्स जरूर कराएं। यह एकदम निशुल्क है और छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ऐप बनाया और एक रक्षा टीम बनाई। तो मदर्स डे पर सभी को बहुत बहुत मातृ दिवस की बधाइयाँ। इस टीम में वर्क में काम करने के लिए हम ये कार्यशाला कर सके, इसके लिए मैं अपनी सचिव शशि प्रभा सिंह, कोषाध्यक्ष नीलम सिंह, ममता साही, आपका सविता सिंह, शशिकला सिंह, उषा सिंह हमारी सांस्कृतिक सचिव, उषा सिंह का, बबीता सिंह का, कंचन सिंह का, इन सभी का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और भी मेरी राजपूत बहनें थीं, हो सकता है समय अभाव के कारण मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिना आपके सहयोग से हम यह कार्यशाला नहीं कर सकते। धन्यवाद। नमस्कार सखियों, आज के केसरिया क्लब ने मातृत्व दिवस का आयोजन किया। उस आयोजन में एक संकल्प लिया, हमारी सुरक्षा हमारा संकल्प। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मोनिका पांडे जी के रक्षा टीम को बुलाया गया और उनकी महिला पुलिस आकर हमारी महिलाएं और बेटियों को अपने हुनर के एक एक टिप्स को, बारीकियों को बताया, समझाया और हमारी बेटियां उसे उत्साहित होकर सीखा। बहुत अच्छा लग रहा था कि जब महिला पुलिस हमारी बेटियों के साथ उनकी सुरक्षा का कला बता रही थी तो देखकर ही बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ ही फ़ोन से किस तरह क्राइम होता है, बच्चियां बात करते करते किस तरह क्राइम में फंस जाती हैं, इससे कैसे उबरा जाए, इस कला को भी महिला पुलिस ने बताया। और एक ऐप का भी उन्होंने बताया कि एक ऐप होता है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप से आप जहां भी रहेंगे वहां तक आपकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस पहुंच सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे केसरिया क्लब की महिलाएं उपस्थित थीं और सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी के सामने ये सब कार्यक्रम हुआ, उसमें उपस्थित महिलाएं थीं और बेटियां थीं।
हमारे केसरिया क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर विभा सिंह जी, सचिव शशि प्रभा सिंह जी, उपाध्यक्ष गीता सिंह जी, किरण सिंह जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजिका सुनीता चौहान जी, उषा सिंह जी, श्वेता सिंह जी, सबिता सिंह, अंजू सिंह, कंचन सिंह, अरुणा सिंह, पुष्पा सिंह, सभी लोग इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपना अपना भरपूर सहयोग दिया। धन्यवाद।